हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज की एक बहुत ही बेहतरीन मल्टी कुकर के बारे में। अब यहाँ पे जो मल्टी कुकर है, ये आपको एक इलेक्ट्रिक केटल का लुक देगा और साथ ही साथ इसमें आप मल्टीपर्पज ये कह सकते हैं हीट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल के लिए लेना चाहते हैं या अगर आप सिंगल रह रहे हैं, अपने हॉस्टल के लिए एक इलेक्ट्रिक केटल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपर्पज फंक्शन के साथ आपको ये इलेक्ट्रिक केटल मिलेगी, जिसमें अगर आप लेस ऑयल कुकिंग करना चाहते हैं तो इडली स्टैंड दिया हुआ है, एग बॉयलर का अटैचमेंट दिया है और साथ ही साथ इसमें स्टीमर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप टी, कॉफी, इडली स्टीमर और स्टीम वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग, तो मतलब अगर आप अपने हेल्थ के पर्पस से इलेक्ट्रिक केटल ले रहे हैं या मल्टी केटल कुकर लेना चाहते हैं, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो सब में मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करते हैं तो 2895 का है और इसको खरीदने के लिए आपको 25% का डिस्काउंट इस समय मिलेगा, जो जिसका बाय लिंक, खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ऑल इंडिया के लिए इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बॉक्स पैकेजिंग की बात करता हूं, तो यहां पे कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी केटल्स में नहीं मिलते हैं, वो अभी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वेट ना करते हुए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहां पे इसको अनबॉक्स करने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं, अनबॉक्स करेंगे तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आपको मिल जाती है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके नीचे ये एक बॉयलर का स्टैंड दिया हुआ है, जिसमें नीचे स्टेनलेस स्टील दिया है और ऊपर प्लास्टिक का एग रखने के लिए कंटेनर्स दिए हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं एग मोल्ड्स दिए हुए हैं। इसको जरा हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम जरा सा दिखाते हैं आपको इसके आने वाला मल्टीपर्पज स्टीमर। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर का स्टीमर दिया हुआ है, या फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इस टाइप का स्टीमर इलेक्ट्रिक केटल के साथ। जनरली कोई भी केटल होती है वो प्लास्टिक का स्टीमर देती है, बट यहाँ पे वेजिटेबल्स, मोमोज, फरे, कुछ भी बनाने के लिए आपको एक काफ़ी अच्छे होल के साथ यहाँ पे एक स्टीमर दिया है। अगर स्टील की क्वालिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली प्रेस्टीज जैसी कंपनी है, काफ़ी ध्यान दिया है इन्होंने क्वालिटी में। तो जरा इसको भी हम लोग यहाँ पे साइड में रख देते हैं, फिर इसके बाद और अटैचमेंट भी आपको दिखाते हैं। तो यहां पे अंदर की तरफ से एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक आइटम, जिसको हम कह सकते हैं ये इडली स्टैंड है, जो कि प्रेस्टीज ने दिया है। तो चलिए जल्दी से इसको रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूं। ये सारी अटैचमेंट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक केटल में। तो यहां पे ये देखिए, इलेक्ट्रिक केटल में आपको अगर इसमें 1 2 3 4 मतलब 4, इसमें 12 इडली आप एक साथ बना सकते हैं। और ये सारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं, ये सब मैं अब आपको दिखाऊंगा लगा के इलेक्ट्रिक केटल में। तो कहने की बात है, यहां पे स्टीमर मिल रहा है, यहाँ पे आपको इडली स्टैंड मिल रहा है और स्टेनलेस स्टील का मिल रहा है। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्टेनलेस स्टील का है, प्लस एग बॉयलर यहाँ पे आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ एक ग्लास लिड के साथ आता है, जिसमें यहाँ पे एक यहाँ पे होल दिया है, जिससे एक्स्ट्रा स्टीम इवेपोरेट हो सके। और इसमें स्टे कूल हैंडल दिया हुआ है, जो कि गर्म नहीं होगा यूज करते टाइम पे। इसको जरा इधर रख देते हैं और अब निकालते हैं प्रेस्टीज की जॉइंटलेस मल्टी कुकर, और मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक केटल। इसके अंदर आपको सबसे लास्ट में इसका वारंटी कार्ड मिलेगा और साथ ही साथ इसका कॉर्ड मिलेगा। तो जरा इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और यहाँ पे एक एक चीज अलग अलग करके आराम से दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सीधा सीधा हिसाब इसका ये है कि यहाँ पे आपको स्टील का यूज सबसे ज्यादा मिलेगा। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो इसका इनर सरफेस है वो जॉइंटलेस है। कैपेसिटी की बात करी जाए तो ये वाली जो केटल है आपकी या मल्टी कुकर है, ये 1.5 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। अंदर की तरफ से इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है, जोड़ नहीं है, जिसकी वजह से इसमें कुकिंग के टाइम पे और जब आप अलग अलग चीज़ें कुक करते हैं तो फ्लेवर्स का मिक्सअप नहीं होगा। जैसे कि अगर आप इसमें चाय बना रहे हैं, बाद में कोई सब्जी बनाते हैं, तो दोनों का जैसे कि साइड में जॉइंट होने की वजह से क्लीनिंग का इशू आता है, वो इसमें नहीं आएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप गैस स्टोव में लो हीट, हाई हीट और मैक्सिमम हीट की तरह यूज करते हैं, तो वैसे इसमें यहाँ पे आपको ये रेगुलेटर मिलता है, जो कि अगर आप कभी सूप या कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं डायरेक्टली, तो आप लो में करके आप इजीली इसमें स्लो कुकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाती है इलेक्ट्रिक केटल, इसके साथ इसके नीचे रखने वाला कॉर्ड मिलता है। और इसमें आपको ऑटो कट का भी फीचर मिल जाता है कि अगर आपका बॉइल हो जाएगा पानी, तो यहाँ पे ये ऑटो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको दी हुई है, यहाँ पे एक हैंडल प्रॉपर दिया हुआ है। मेरे हिसाब से सिर्फ अगर केटल की बात करी जाए, अगर सीधे सीधे केटल की बात करी जाए, तो ये भी काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। और ये वैल्यू फॉर मनी इसलिए है क्योंकि इतने सारे अटैचमेंट के साथ सिर्फ ये आपको 2100 से 2200 के आसपास में पड़ रही है। और इस टाइप की जनरल केटल्स से सिंगल केटल्स ही इतनी रेट में पड़ती है। अब यहाँ पे इस केटल को क्या चीज है जो बहुत ज्यादा यूनिक बना देता है? पहली चीज है कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप ब्रांड है प्रेस्टीज, जिसकी केटल्स मेरे ख्याल से लीडिंग केटल
बिकती हैं। अब यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले इडली स्टैंड दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ स्टेनलेस स्टील दिया है, हेल्थ और हाइजीन का पूरा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कभी इडली बनानी है नीचे पानी रख के, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फिक्स हो चुका है इसमें। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं मार्केट में छा जाने वाली केटल होने वाली है। तो अगर ये केटल आपको पसंद आ रही है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये केटल आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। इसके ऊपर एक ये कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली इन्होंने किया है, क्योंकि इसमें इस तरीके से मोल्ड कर दिया है कि ये सारे जितने भी सांचे हैं सब एक के ऊपर एक आराम से बैठ जाते हैं। प्रॉपर स्टीमिंग इसमें मिलेगी और इसके ऊपर आप बस ये लिड रख दीजिए और आपकी इडली तैयार हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक केटल में, और वो भी किस में, स्टेनलेस स्टील में, जो कि हेल्दी है, हाइजीनिक है, प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। और जहां प्लास्टिक का यूज किया गया है वहां खाने से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका भी मैं बताता हूं। तो यहां पे सबसे पहले इडली स्टैंड का हमने यूज कर लिया है। अब आप चाहते हैं नीचे की तरफ से सूप बनाना और उसी के ऊपर मोमोज स्टीम करना, तो आप नीचे अगर आपका सूप बन रहा है, दूध उबल रहा है, या आप पानी भी उबालना चाहते हैं तो वो आप उबालते रहिए, ऊपर आप फ्रे मोमोज या कोई भी चीज आप रख सकते हैं और इसको इससे बंद कर दीजिएगा। ये बन जाएगी आपकी स्टीमर केटल। जैसे कि अगर आजकल आप लोग यूज कर रहे हैं एक राइस कुकर आता है, बट राइस कुकर का कम से कम 90% काम ये आपका कर देगा। और आजकल के समय में जैसे हेल्दी कुकिंग की बात करी जाए, तो जैसे लेस ऑयल कुकिंग की बात करी जाए, जिसमें स्टीमिंग रेसिपीज आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस इडली के सांचे में आप ढोकले तक बना सकते हैं, इतना अच्छा इसमें आपको दिया है। और सबसे अच्छी चीज है जो हीट एडजस्टमेंट दिया हुआ है कम और ज्यादा करने का, तो ये और भी ज्यादा मेरे हिसाब से और ज्यादा यूज करने के लिए आसान बना देता है। तो ये चीज काफी अच्छी इसकी लगी और जिस प्राइस रेंज में ये इस समय आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि काफी ज्यादा अच्छी प्राइसिंग के साथ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे आप अंडे उबालने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि काफी लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, काफी लोगों के घरों में ये चीज खाई नहीं जाती है, तो उनको लगता है कि उनको थोड़ा सा सेपरेट चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील का स्टैंड मिलता है, जो कि आप इसके नीचे आराम से रख दीजिए, और इसके ऊपर आप अपने किचन का कोई भी यूटेंसिल भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई चीज कुक करना स्टीम में, तो इसके ऊपर आप कटोरी या किसी भी तरीके का स्टीमिंग बाउल रख सकते हैं, जिसकी वजह से स्टीम में खाना बन जाएगा। और यहां पे आपको मिल जाता है इस टाइप का एग रखने के लिए कंप्लीट कंटेनर। अब ये प्लास्टिक का यूज तो हालांकि इसमें किया गया है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ से इसमें स्टैंड भी ये लग जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे आप इजीली इसको एज ए स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें एग रख के, मतलब इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 एग्स आ जाएंगे, और इजीली आप इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिएगा आपके अंडे, मतलब इसमें जो भी आप चाहते हैं तो वो आप इसमें उबल जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट दिया है, ऊपर की तरफ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और मुझे ये लगता है कि अगर ये स्टैंड हटा दिया जाए और अगर स्टीमर के ऊपर भी अगर ये रखा जाए, जैसे नीचे सूप या कोई भी चीज़ बन रही है और इसको रख दिया जाए, तो इसके ऊपर भी आप इसको ईजिली रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको ईजिली इसमें भी ईजिली स्टीम कर सकते हैं, हालांकि पानी में डुबो के करना है तो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये मिल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं गारंटी और वारंटी की, तो ऑल इंडिया इसकी गारंटी वारंटी कवर होती है। और यहां पे आपको ये देखिए बैक साइड में, इसमें यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा, और यहाँ पे जो वारंटी दी हुई है वो मेरे ख्याल से इसमें मेरे ख्याल से 1 या 2 साल की आपको मिल जाती है। हेल्पलाइन नंबर ऑल इंडिया का ये सिमिलर आपको दी जाता है। तो यहाँ पे आपको ये मल्टी केटल, जिसमें एग बॉयलर के साथ साथ सारी स्टीमिंग रेसिपीज मिल जाती हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर ये मल्टी केटल आप लेना चाहते हैं, जिसमें मल्टी कुकर, जिसमें आपको एक प्रॉपर कुकर मिल जाता है, उसके साथ स्टीमर मिल जाता है, उसके साथ आपको एग बॉयलर मिल जाता है, उसके साथ आपको स्टेनलेस स्टील का, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेनलेस स्टील का इडली स्टैंड मिल जाता है बहुत प्यारे साइज का। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास छोटे साइज का कुकर भी है ना, तो भी आप इसको अपने किचन में यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको इडली स्टैंड मिल जाता है, और एक आपको स्टेनलेस स्टील का स्टीमर मल्टीपर्पज मिल जाता है, जिसको आप किचन में भी यूज कर सकते हैं, केटल में भी यूज कर सकते हैं, तो इन सारे ऑप्शन के साथ प्रेस्टीज ने लाजवाब केटल निकाली। अगर आप खरीदना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका बाय लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप इसको 25% डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। तो काफी अच्छा ऑप्शन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को यूज है इसका, उन लोगों को शेयर जरूर करिएगा, और इस टाइप के यूजफुल यूटेंसिल्स के लिए आज ही लखनऊ लोगों को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट यूटेंसिल्स हम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।